करमा बाई की खिचड़ी खाए के नहीं? हाँ या ना? करमा बाई तो बेचारी बिना नहाए खिचड़ी बना दिया करती थी, और जगन्नाथ जी को बुलाती, जगन्नाथ जी गोद में बैठते और गोद में बैठ करके करमा बाई के हाथ से खिचड़ी खाया करते थे। भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि तुम्हारी जात तुम्हारा धर्म क्या है, भगवान तो तुम्हारी गोद में आकर बैठने को तैयार हैं, बस तुम निश्चल निष्कपट सच्चे बनो तो सही, भगवान तो तुम्हारी गोद में बैठकर खाएंगे। क्या करमा बाई की खिचड़ी नहीं खाई? खाए, तब तो सारे जगत में प्रसिद्ध है, सारे लोग गाते हैं, जगन्नाथ जी को रोज बुलाया करती, हे जगन्नाथ जी आओ, खिचड़ी खिलाया करती थी भगवान को। ये बात उसके लड़कपन की है, जब करमाबाई के पिताजी को भगवान का दर्शन करमाबाई ने कराया, उसके बाद वो सब छोड़ करके जगन्नाथ जी चली गई और बचा हुआ सारा समय जगन्नाथ जी में गुजारा। जगन्नाथ जी से रोज कहती, हे प्रभु रोज खिचड़ी बनाती, बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, वो बुढ़ापे में भी ना भूल जाती सब कुछ, कई बार तो लेट नींद खुले तो वो बिना नहाए खिचड़ी चढ़ा दे, पानी अधन चढ़ा दे, पानी चढ़ाए और उसमें थोड़ा चावल दाल डाल दे, नमक डाल दे और खिचड़ी बन रही है और वो दातून करती जा रही है। है ना? जब कई बार तो वो नहा ना पाई, बोली मैं लेट हो जाऊंगी, तो खिचड़ी बन गई तो बिना नहाए बनाए खिचड़ी और जगन्नाथ जी को कहे। जगन्नाथ जी से कहती, हे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ, आइए मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाए। वो कहती करमा बाई पुकारती, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ, आइए ओ मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी आए और करमा बाई के पास आए, माँ आज तूने लेट कर दिया, कल समय से खिलाना, समय से खिलाना। और भगवान को खिचड़ी का अपने हाथों से भोग लगा, भगवान आए गोद में बैठे और खिचड़ी खाने लग गए। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन करमा बाई ने खिचड़ी बनाई और आज जरा लेट हो गई तो भगवान को गोद में बिठा के वो खिला रही थी, तब तक मंदिर में पुजारी जी आए और पुजारी जी ने ताली बजाई, पर्दा खोलना चाहा, अब जगन्नाथ जी तो गायब थे। पुजारी जी ने पर्दा खोलना चाहा तो करमा बाई खिचड़ी खिला ही रही थी कि भगवान भागे और जाके मंदिर में बैठ गए। पुजारी जी ने पर्दा खोला और भगवान का दर्शन किया तो भगवान के मुंह में चावल लगा था, दाना चावल का। करमा बाई खवाती रोज और खवा के रोज मुंह पहुंचती, पर आज मुंह पहुंचा नहीं, भाग गए ना, मुंह नहीं पहुंच पाई तो भाग गए भगवान। अब भगवान को गरम गरम ताजा ताजा चावल पुजारी जी ने देखा, सभा बुलाई, पंचायत बुलाई, सुनो ये जगन्नाथ जी के मंदिर में कौन घुसता है, कौन भगवान जी के पास आया, कौन जगन्नाथ जी को ये चावल खिला के गया। अब सारे पूरी में हल्ला हो गया कि मंदिर में कोई चोर घुसता है, पर सबने देखा कि घुसेगा कहां से, दरवाजे तो बंद हैं, ताले बंद हैं, कोई
तो नगर में डंडोरा पिटवाया कि आज जगन्नाथ जी को ये चावल किसने खवाए। तो बेचारी बूढ़ी अम्मा कर्मा बाई आई, महाराज क्षमा करो, मैंने अपराध किया है। क्या किया तूने? वो जगन्नाथ जी जो है ना, वो रोज मेरे से कहते हैं कि माँ तुम हमें खिचड़ी खवाया करो, तो हम उनके लिए खिचड़ी बनाती हैं और वो रोज आते हैं। पुजारी जी बोले तो तुम कैसे अंदर आती हो मंदिर में? बोले हम नहीं आते, वो अंदर वाले बाहर आते हैं। पुजारी जी ने कहा झूठ बोल रही हो, हम कैसे माने? कैसे मानो, कल आ जाना देख लेना। अब सारे पुजारी लोग छिप गए कुटिया में और फिर खिचड़ी बनाई भगवान के लिए। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाकर फिर कहा, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए, 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 मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। भगवान आए और विदुरा भगवान बैठ गए गोद में, प्रेम से बैठ करके भगवान कर्माबाई की गोद में बैठते हैं। और कभी माता लेट करती तो भगवान दरवाजे में खड़े होकर कहा करते, जल्दी कर्मा, जल्दी, बोलो जल्दी, जल्दी कर्मा, इसलिए नाम पड़ गया कर्मा। जल्दी कर्मा, मेरे लिए जल्दी खिचड़ी दे, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर माँ, तो नाम पड़ गया कर्मा, कर्मा बाई। भगवान को खिचड़ी खवाई, पुजारी लोग बैठे हैं सब चुपचाप यहां वहां, पर किसी को कुछ दिख नहीं रहा। पुजारी जी आए, अरे कर्मा तूने तो कहा था भगवान आते हैं, कहाँ है? कर्मा बोली ये तो बैठे हैं जगन्नाथ जी। पुजारी जी ने कहा हमें तो नहीं दिख रहे हैं। कर्मा बाई बोली प्रभु से, प्रभु आप पुजारी जी को दर्शन नहीं दे रहे हो क्या? भगवान बोले ना, बोले प्रभु वो तो आपके भगत हैं, रोज पूजा करते हैं। भगवान बोले कर्मा तेरी तरह जब तक इनका मन ना होगा, इनके अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, तेरा हृदय पवित्र है, तुझ जैसे पवित्र मन वाले को ही मैं दिखता हूँ। ये कितने भी पूजा करें, इनकी तो सैकड़ों पीढ़ियां मर गई पूजा कर करके, ये हमें ना देख पाए। कर्मा बाई ने कहा प्रभु यदि आप इन्हें नहीं दिखोगे ना, तो ये सारे लोग हमें झूठा कहेंगे कि तुम झूठ बोलती हो कि जगन्नाथ जी आते हैं। हे प्रभु अपने इस भक्त को क्या झूठा होने दोगे? एक बार इन्हें दर्शन देकर मेरी वाणी को सिद्ध कर दीजिए, मेरी वाणी को सत्य कर दीजिए। तब भगवान ने कृपा करी, माँ के कहने से, कर्मा माई के कहने से भगवान ने सारे भक्तों पुजारियों को दर्शन दिया और सबने देख कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कर्मा माई को प्रणाम किया। पुजारी जी रोने लगे, प्रभु हमारी उम्र निकल गई आपकी पूजा करते करते, हमारी तो पूजा आपने स्वीकार नहीं की, हमारे हाथ से कभी नहीं खाया, कर्मा ने क्या कर लिया कि गोद में बैठकर खाते हो? जगन्नाथ जी बोले कर्मा की तरह जिसका चित्त पवित्र होता है, हृदय शुद्ध होता है, मैं उसके हृदय में, उसकी गोद में बैठता हूँ, उसके पास रहता हूँ। पुजारी जी चले गए, भगवान अंतर्धान हो गए,
रोज की तरह कर्मावाई खिचड़ी बनाती। कर्मावाई का बुढ़ापा आया, कर्मावाई की मृत्यु होने का टाइम आ गया और कर्मावाई की मृत्यु एक दिन आया ऐसा कि कर्मा की मृत्यु हो गई। कर्मावाई जब मरी तो भगवान जगन्नाथ जी रोए। पुजारियों ने कहा, प्रभु आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ प्रभु आपको? जगन्नाथ जी बोले कि मेरी कर्मा चली गई, अब कौन मुझे खिचड़ी खवाएगा? पुजारियों ने बड़े हंसते हुए कहा, वाह भगवान, तुम्हारे हाथ में तो ये पूरा संसार है, तुम चाहो तो कोई मरे ही ना। जब तुम्हें कर्मा से इतना प्यार है, प्रेम है, तो तुमने कर्मा को मरने ही क्यों दिया? भाई मृत्यु और जीवन दोनों आपके हाथ में है, आप मरने ही ना देते, अमर कर देते कि जब तक ये दुनिया रहेगी आप जिंदा रहोगी। भगवान बोले, मैं क्या करूं, ये संसार मृत्यु लोक है, इस संसार में जो आता है उसे संसार के नियम का पालन करना पड़ता है, मृत्यु लोक है तो मरना पड़ेगा। और वो बूढ़ी हो गई थी मेरी माँ, बड़ी कष्ट में थी, बुढ़ापे का कष्ट जो होता है साहब देखो वो तो मिलना ही मिलना है। कर्मावाई का कष्ट मैं देख ना पाया, इसलिए मैं अपने कर्मा को मैंने अपने पास बुला लिया। तो पुजारियों ने कहा, जब पास बुला लिया तो रोते काय को, क्यों रो रहे हो? क्या करें, अब हमें खिचड़ी कौन खिलाएगा? पुजारियों ने कहा, प्रभु अब से जगन्नाथ जी में ये नियम लागू हो रहा है कि सबसे पहले आपको खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा और वो खिचड़ी कर्मावाई के नाम से जानी जाएगी। इसलिए जगन्नाथ जी को 8 बार भोग लगता है दिन में, जिसमें पहला भोग खिचड़ी का होता है और वो कर्मा की खिचड़ी कहलाती है। आज तक कर्मावाई की खिचड़ी का भोग भगवान को लगता है। इस संसार की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की रसोई। सारे बर्तन मिट्टी के होते हैं वहां, और एक बार जो बर्तन प्रयोग हो जाता है वो बर्तन दूसरे दिन प्रयोग नहीं होता। वहां 365 दिन के कुम्हार भाई नियुक्त हैं कि आज के बर्तन आपके घर से आएंगे, आपके बर्तन, और सारे कुम्हारों को उसका घड़े का पूरा पूरा मूल्य दिया जाता है। लगभग 10 लाख रुपए रोज दिए जाते हैं कुम्हार को, 10 लाख रुपए के बर्तन रोज लगते हैं जगन्नाथ जी की रसोई में, 10 लाख के बर्तन लगते हैं माटी के, तो सोचो कि बनता कितना होगा। और इतना सारा भोग भगवान जी को लगाकर फिर भक्तों में बांटा जाता है।